आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी में। यदि आप भी एक ही तरह के पनीर खा खा के बोर हो गए हैं, तो आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो इस पनीर को ऑर्डर करते हैं, तो आज इसे हम घर पे बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ हम काजू पनीर बना रहे हैं, उसके लिए मैंने काजू लिया है। तो 10 काजू को मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था थोड़ी देर पहले, तो अच्छे से वो फूल गया है, उसका पेस्ट बनाएंगे। और थोड़े से काजू हमने फ्राई करने के लिए लिए है और 200 ग्राम पनीर मैंने लिया है। तो काजू को हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ रिफाइन ऑयल का प्रयोग किया है, तो रिफाइन ऑयल में काजू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ जो काजू है इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ज्यादा डार्क नहीं करना है काजू को, कुछ इसी तरीके के कलर में रखना है। और बचे हुए ऑयल में हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को भी बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। थोड़ा सा जब इसमें कलर आ जाएगा बस उतना ही हमें फ्राई करना है। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हम फ्राई करेंगे। आप चाहे तो लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा पनीर है हल्का सा फ्राई हो चुका है, तो बस इतना ही फ्राई हमें करना है। तो अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ जो बचा हुआ ऑयल है इसी में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। तो अब हम देसी घी डालेंगे, देसी घी की जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं। तो घी मेल्ट हो चुका है, तो अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 छोटा चम्मच जीरा है, 2 तेजपत्ता है, 2 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 लौंग है और 2 इलायची है। और सारी चीजें छिटक गई थी, तो अब उसमें मैंने डाल दिया है प्याज। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसको कि बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है चॉपर की मदद से। तो अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई कर लिया है। और अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर इसे भी पका लेंगे प्याज के साथ। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। मसालों में मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, 2 चम्मच सब्जी मसाला जिसमें कि धनिया, गोल मिर्च और जीरा पाउडर है। थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो मसालों को अच्छे से मिला के और 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर प्यूरी। 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई थी। और अब इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक हमने पनीर में भी डाला है, तो उसी के अनुसार थोड़ा कम ही नमक डालें। अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम ढक्कन लगा देंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाएंगे। तो एक बार बीच में इसे चला लेंगे और वापस से ढक देंगे। तो यहाँ 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से पकाया है। और अब जो है टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गया है, मसालों से ऑयल रिलीज होने लगा है। तो अब इसमें हम डाल देंगे काजू का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था उसको, और अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम दूध की मलाई डाल देंगे। इसकी जगह पे आप क्रीम डाल सकते हैं। तो सारी चीजों को अच्छे से चला लिया है और अब इसमें फ्राई किया हुआ काजू डाल देंगे, साथ में फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च, जिसको कि बीच से चीरा लगा के डाला है लंबा लंबा। और अब इसमें पानी डाल देंगे, तो जिस कटोरी से मैंने मलाई डाली थी उसी कटोरी से, छोटी कटोरी है तो 2 कटोरी पानी डाल दिया है। ग्रेवी जितनी गाढ़ी पतली रखना चाहते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है 1/2 चम्मच जितना, और अब इसे ढक्कन लगा देंगे, 2-3 मिनट तक पकाएंगे। और ये देखिए जो हमारा पनीर है
रेडी हो चुका है, तो एक बार इसे चला लेंगे। और अब इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे, एक छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और ये जो हमारा काजू पनीर है बनकर रेडी हो गया है। तो चीनी यदि आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो अब देखिए कितना मजेदार सा काजू पनीर बनकर तैयार हो चुका है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आया था, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। तो कैसी लगी आपको मेरे काजू पनीर की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।